नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा मुन्ना। दोस्तों आज हम आपको मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद जैसे विकारों को दूर करने वाले कुछ सिंपल से योगाभ्यास बताएंगे। यह समस्याएं एक ऐसी समस्याएं हैं जिसे सभी वर्ग के व्यक्ति जूझ रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो या यंगस्टर हो। मैं सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे शशांक आसन को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। अपने बर्गासना की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने सिर को, अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराते हुए ऐसे शशांक आसन, जिसे बालक आसन भी कहते हैं, की पोजीशन पर रहते हैं एक आरामदायक अवधि के लिए। कम से कम 2 से 5 मिनट इस अभ्यास को आप जरूर प्रैक्टिस करें। इस अभ्यास को करने से हमारा शरीर तनाव मुक्त होता है और फिर इसके बाद श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे सीधा कर लेते हैं। फिर इसके बाद इस अभ्यास की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों पैर घुटनों को ऐसे आगे से जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं। आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हों और आपने दोनों हील के बीच में बैठ जाते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी छाती को, अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं और ऐसे अपने ऊपरी शरीर को भी ऐसे आगे की तरफ तानते हैं। कम से कम 2 से 5 मिनट इस न्यू शशांक आसन की पोजीशन पर रहते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। और फिर धीरे धीरे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप कम से कम 2 से 3 बार रिपीट कीजिए। के लिए हम करेंगे उत्तान शीर्षासना। उत्तान शीर्षासना 2 अभ्यासों से मिलकर बना है, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग और बालक आसन। ऐसे ही बज्रासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर आते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आपने आना है। कुछ देर ऐसे ही रुकते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों को घुटनों को जमीन पर ऐसे स्पर्श करा लेते हैं और ऐसे अपने दोनों हाथों को भी ऐसे आगे की तरफ करते हुए अपनी छाती को, अपनी ठोड़ी को जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं और ऐसे अपने हिप्स को ऐसे ऊपर की तरफ उठा लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 2 से 5 मिनट इस उत्तान शीर्षासना की पोजीशन पर रहते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। और फिर इसके बाद आपने ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आना है और चाइल्ड पोज में ऐसे रिलैक्स करते हैं। हम कुछ स्टैंडिंग अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। इसमें अब हम करेंगे उत्तान पादासना। ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाना है और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे अपने शोल्डर लेवल के बराबर डिफरेंट रख लेते हैं। फिर इसके बाद आपने श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर को उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पैरों के पास ऐसे रख लें और अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों पर लगाने की कोशिश करें। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पीछे से ऐसे बांध लें। इस स्थिति में ध्यान रहे आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 2 मिनट इस उत्तान पादासना की पोजीशन पर रहते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। और श्वास अंदर भरते हुए सीधे ऐसे ही से आप 4 से 5 बार कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे मूर्धासना योग। मूर्धासना योग को करने के लिए भी आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम 2 से 2.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं या फिर जितना स्पेस आप रख सकते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और फिर ऐसे आपने अपने राइट पैर को ऐसे राइट साइड ऐसे टर्न कर लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए आपने धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करें। आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहें। कुछ देर ऐसे ही रुकें
फिर सेंटर में आइए, फिर दूसरी साइड से बाद आपने आगे को झुक जाना है और अपने सिर के बीच वाले हिस्से को ऐसे जैसे जमीन पर ऐसे स्पर्श करा लेते हैं और अपने दोनों हाथों को जितना आप नीचे की तरफ ला सकते हैं उतना नीचे की तरफ लाइए। इस स्थिति में ध्यान रहे आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें। स्टार्टिंग में आप इस अभ्यास को अपनी दोनों आंखों को खोलकर आपने प्रैक्टिस करना है। यह अभ्यास हमारे शारीरिक संतुलन को भी सुधारता है और जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है उन लोगों के लिए भी यह एक बेस्ट अभ्यास है। और फिर ऐसे सीखिए।